हेलो बच्चों कैसे हो सब लोग स्वागत है आप सबका सी एल सी के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है गुरु नीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज चल रही है इसमें प्रीवियस ईयर के जी मेंस के पूछे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलता है तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स के जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे वो है फोटो इफेक्ट डूएल नेचर एक्सरे तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो इसमें क्या लिखा है सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल इज़ फर्स्ट मेटलिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेंथ लेमडा वन इक्वल्स टू थ्री फिफ्टी नैनोमीटर एंड देन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लेंथ लेमडा टू एंड लेमडा टू इज इक्वल टू फाइव फोर्टी नैनोमीटर इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द टू केसेज डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ टू दर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज क्लोज टू यहाँ एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसकी हम लोग जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे देखो बच्चो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग लेमडा वन और लेमडा टू दो अलग अलग वेवलेंथ गिवन है और हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर क्वेश्चन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा वन लेमडा वन की वैल्यू है 350 फिफ्टी माइनस वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन को हम लोग फाइव से डिनोट कर देते हैं ये किसके इक्वल होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अब यहां पर जो कंडीशन दिया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस डिफर बाय फैक्टर टू यानी मैक्सिमम स्पीड एक कंडीशन में दूसरे का डबल है जब वेवलेंथ कम होगा जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी ज्यादा है स्पीड ट्वाइस लिख देते हैं ये एक इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई देखो सेकेंड वेवलेंथ है 540, 540 फोर्टी नैनोमीटर माइनस फाइव इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेर अब दो इक्वेशन है अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो so डिवाइड करने के बाद देखो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा एच सी बाई थ्री फिफ्टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एच सी बाई फाइव फोर्टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ये फोर आ जाएगा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है एच सी की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है वन टू फोर जीरो देखो वन टू फोर जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर हम लोग बस एच सी की वैल्यू पुट कर देंगे एक ही अननोन है फाइव और जब इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो वन पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा ठीक है बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन अब आगे बढ़ते हैं अब ये सेकेंड क्वेश्चन है इसमें लिखा है सैंपल ऑफ रेडियो मटेरियल एट हैज एन एक्टिविटी ऑफ टेन मिली क्यूरी ट्वॉइस द नंबर ऑफ न्यूक् सैम्पल ऑफ अ डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल बी विच हैज एक्टिविटी ऑफ ट्वेंटी मिली क्यूरी देखो यहाँ लिखा ना ट्वेंटी मिली क्यूरी द करेक्ट चॉइस फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी वुड बी वुड बी रेस्पेक्टिवली अलग अलग मटेरियल है ए और बी हमें इनके हाफ लाइफ के बारे में बताना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्या हो सकता है कंडीशन क्या दिया हुआ है एक की एक्टिविटी है टेन मिली क्यूरी और दूसरे के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है ट्वेंटी मिली क्यूरी ठीक है अब देखो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म लिखा है एक सैंपल के लिए नंबर ये ट्वाइस है ट्वाइस द नंबर ऑफ अनदर सैंपल तो ए के लिए हम लोग मान लेते हैं टू एन नॉट है नंबर और b के लिए एन नॉट ऐसा लिख सकते हैं अगर एक्टिविटी की बात करें एक्टिविटी होता है लेमडा इंटू एन नॉट तो मेटेरियल ए के लिए लेमडा ए और मेटेरियल बी के लिए लेमडा बी यहां पर ये 10 मिली क्यूरी है और ये 20 मिली क्यूरी है यूनिट को चेंज नहीं करते बस डिवाइड कर देते हैं दोनों को अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा टू लेमडा एमडा बी इज इक्वल टू वन बाई टू अब इसी रिलेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं देखो अगर लेमडा ए बाई लेमडा बी आप लिखोगे तो वन बाई फोर हो जाएगा और अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें बच्चों सॉरी टाइम पीरियड नहीं हाफ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ ए एंड हाफ लाइफ ऑफ बी तो ये होता है लॉग टू डिवाइडेड बाय लेमडा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है आप इसको लेमडा ए नीचे और लेमडा बी ऊपर में लिख सकते हो यानी ये टर्म क्या हो जाएगा देखो इसका रिवर्स हो जाएगा फोर आ जाएगा या आप सिंपल सा एक रिलेशन लिख दो कि हाफ लाइफ ऑफ ए इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी बस अब चार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको चेक करते हैं देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है फाइव डेज एंड टेन डेज रेशियो कितना होना चाहिए फोर का रेशियो होना चाहिए और पहले हमें ए का फाइंड करना है इसको अब मिटा देते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आया था ये है देखो मैं यहां लिख देता हूं हाफ लाइफ ऑफ ए इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी पहले ए का हाफ़ लाइफ है बाद में बी का है यानी बी का जो हाफ लाइफ होगा उसका फोर टाइम्स होना चाहिए टेन है तो यहां पर फोर्टी होना चाहिए ये फोर्टी है तो यहां वन सिक्सटी होना चाहिए टेन है तो फोर्टी होना चाहिए, तो चाहिए यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सब गलत है यहां पर देखो फाइव डेज है और ये ट्वेंटी डेज है ठीक है ना ये तो हिंदी मीडियम का है इंग्लिश मीडियम के लिए यहां पर है तो फाइव डेज और ट्वेंटी डेज ए के लिए हाफ लाइफ ट्वेंटी डेज और बी के लिए फाइव डेज एक ही ऑप्शन पॉसिबल है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है एट अ गिवन इंस्टेंट से टी इक्वल्स टू जीरो

तो चलो अब सॉल्व करें हाफ लाइफ को लॉग टू बाई लेमडा लिख सकते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ ये लॉग टू के इक्वल है अगर आप इसको एल एन टू के इक्वल लिख दो तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा लेमडा ए इज इक्वल टू वन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे लेमडा ए की वैल्यू वन आ जाएगी ठीक है अब उसके बाद देखो क्या लिखा है कि इनिशियली दोनों की एक्टिविटी सेम है एट अ गिवन इंस्टेंट टू रेडियोटिव सबस्टेंसेज हैव इक्वल एक्टिविटीज तो शुरुआत में एक्टिविटीज को हम लोग इक्वल लिख देते हैं लेमडा ए इंटू एन ए ये इनिशियल एक्टिविटी है ए के लिए और बी के लिए हम लोग लिख दें लेमडा बी इंटू एन बी ऐसा है फिर उसके बाद क्या लिखा है तीस समय के बाद अब जो नया एक्टिविटी होगा उनके बीच का रिलेशन ऐसा दिया है तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं देखो ए बाई बी दिया ना एक्टिविटी आर बी बाई आर ए ये ई टू दी पावर माइनस थ्री टी गिवन है क्वेश्चन में तो अब आर बी को आप क्या लिख सकते हो लेमडा बी इंटू एन बी ई टू दावर माइनस लेमडा बी इंटू टी यहां पर हो जाएगा लेमडा ए इंटू एन ए टू दावर माइनस लेमडा ए टी इक्वल्स टू ई टू 3t माइनस थ्री टी अब क्योंकि इनिशियल एक्टिविटी सेम थी ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये इसको आप कैंसिल कर दो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इसको ऐसे लिखते हैं e टू पावर माइनस लेमडा बी माइनस लेमडा ए इंटू टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी अब इसको मिटा दें देखो अब इसमें आप कह सकते हो कि बेस सेम है पावर सेम होगा यानी कि लेमडा बी माइनस लेमडा ए ये थ्री के इक्वल हो जाएगा लेमडा ए की वैल्यू हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है आप यहां पुट कर दो लेमडा बी की वैल्यू फोर हो जाएगी और फाइंड क्या करना है हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ ऑफ बी आप इसको लिख सकते हो लॉग टू बाई लेमडा बी यानी कि लॉग टू बाई फोर अब देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है लॉग टू बाई लेमडा फोर देखो तो इसमें पहला ऑप्शन ये लिखा है एल एन टू फोर एल एन टू बाई फोर यानी लॉक टू बाई फोर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री था क्वेश्चन नंबर फोर इसमें लिखा है यूजिंग न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ एमिटेड पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड एट टी इक्वल्स टू जीरो इट वाज वन थाउजेंड पर सेकेंड एंड T equals to एट second. It was हंड्रेड counts per second. तो शुरुआत में जो uh, disintegration हो रहा था कितने थे वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड काउंट्स पर सेकेंड बाद में हो गया हंड्रेड counts per second. एट second के बाद हमें बताना सिक्स second के बाद यही counts किसके approx होगा तो solve करते हैं बच्चों देखो equation ऐसा लिख दें एट second है ना एट second के बाद हंड्रेड है हंड्रेड इज इक्वल्स टू वन सिक्स जीरो जीरो ई टू माइनस लेमडा टाइम एट ठीक है अब यहाँ पर ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा वन बाई सिक्सटीन है इसको आप वन बाई टू टू पावर फोर लिख सकते हो यहाँ पर बचेगा ई टू पावर माइनस एट देख हो सिक्सटीन को यहाँ नीचे लिखा और सिक्सटीन को टू टू पावर फोर लिख दिया है ये जो माइनस लेमडा एट है इसको माइनस टू लेमडा ये माइनस टू दी पावर फोर लिख देते हैं यानी एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस टू इज़ इक्वल्स टू वन बाई टू अब देखो हमें कितने समय पर फाइंड करना है टी इक्वल्स टू सिक्स सेकेंड पर तो रिलेशन जो आएगा इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर ई टू दावर माइनस सिक्स लेमडा ठीक है अब इसमें से आप ऐसे लिख सकते हो ना e टू पावर माइनस टू लेमडा टू पावर थ्री और ये कितना है वन बाई टू वन बाई टू का जब आप क्यूब करोगे तो एट आ जाएगा वन सिक्स जीरो जीरो बाई एट और ये सॉल्व करके आ जाएगा टू हंड्रेड काउंट्स पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है मेटल प्लेट ऑफ एरिया वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर तो इंटेंसिटी दिया हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ओनली टेन परसेंट ऑफ इट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ एड्स प्रोड्यूसर्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जितने फोटोन्स आ रहे हैं जितने लाइट्स इंसिडेंट हो रही है उसका सिर्फ 10% परसेंट जो रेडिएशन है उसका सिर्फ 10% परसेंट ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है ठीक है अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड और मैक्सिमम एनर्जी तो देखो बच्चो पहले हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम एनर्जी की तो देखो बच्चों अब इसमें एच न्यू या गिवन है यहां पर टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन जो है ये फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है देखो तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं टेन माइनस फाइव यानी कि फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया एक आंसर तो आ गया अब देखो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें इसमें और इसमें लिखा है अब हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पर कितने एक में इमिट हो रहे हैं तो अब हम लोग नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं देखो यहां पे लिखा है टेन परसेंट ही एफिशियंसी है तो टेन परसेंट ऑफ एफिशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों ईटा Ia डिवाइडेड बाय यहां पर एच सी या एच न्यू लिख देते हैं ये हमें मिल जाएगा एच सी बाय लेमडा या एच न्यू लिख दिया ये एक फोटोन के लिए इनर्जी थी आई ए ये टोटल पावर हो गया तो एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए ये मिल गया एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा अब वैल्यूज को पुट कर देना है टेन परसेंट यानी पॉइंट वन इंटेंसिटी देखो गिवन है 16 मिली 16 सिक्सटीन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री और ये ऐसा यूनिट में ही है अब एच वैल्यू पूरे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्वेश्चन में गिवन ही है तो हम लोग 10 इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी माइनस नाइनटीन लिख देते अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू दावर इलेवन तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो इसमें लिखा है कंसीडर द न्यूक्लियर फ्यूजन ये रिएक्शन दिया हुआ है। गिवन दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियन हीलियम एंड कार्बन ट्वेल्व आर रेस्पेक्टिवली 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट जितने भी ऑप्शंस दिए हुए सब में हमें यही फाइंड करना है कि, कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डेल्टा क्यू फाइंड कर लेते हैं डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा एम इन सी स्क्वेर और यहां पर टोटल वैल्यू क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोन से मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो देखो यहां पर हीलियम है हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया है सेवन पॉइंट जीरो सेवन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो जाएंगे फोर इंटू टू यानी एट अब कार्बन की बात करें कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू सेवन पॉइंट एट सिक्स माइनस अब इसमें नियन के लिए ट्वेंटी नंबर ऑफ न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है एट पॉइंट जीरो थ्री ये जीरो लिखा ठीक है एट पॉइंट जीरो थ्री अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस नाइन पॉइंट सेवन टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव आने का मतलब यह है कि इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी यहां पे सप्लाइड तो लिखा है लेकिन देखो एनर्जी अलग लिखा है सिर्फ फोर्थ में है 9.7 पॉइंट सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखो इसमें क्या लिखा है इफ द डी वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेन टू दावर माइनस थ्री टाइम्स दैवलेंथ ऑफ फोटो पावर फोर्टीन हर्ट देन दीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सबसे पहले जो रिलेशन दिया है ना इसका इस्तेमाल करते हैं डीप्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा ई e, ये टेन टू दाइनस थ्री टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटो ये रिलेशन गिवन है अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लिख सकते हैं देखो h बाई एम वी और ये टेन टू दर माइनस थ्री लेमडा के लिए हम लोग तो क्योंकि ये फोटोन है c बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं अब c की वैल्यू गिवन है थ्री इंटू टेन टू दावर एट और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 6 into 10 to the power 14. तो यहां लिख देंगे सिक्स इंटू टेन टू दावर फोर्टीन और एच की वैल्यू पता होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी गिवन है अब तो एक ही अननोन है वी अब इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो जब आप सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे और v की वैल्यू फाइंड करोगे तो यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन टू दर सिक्स मीटर पर सेकेंड तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते कैलकुलेशन है थोड़ा सा ये आप कैलकुलेशन कर लोगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में देखो क्या लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दाइट इंसिडेंट ऑन मेटल इज चेंड फ्रॉम थ्री हंड्रेड नैनोमीटर टू फोर हंड्रेड नैनोमीटर पहले थ्री हंड्रेड नैनोमीटर का वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा था बाद में वो चेंज हो गया फोर हंड्रेड आ गया द डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्लोज टू अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें देखो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं एच सी बाई थ्री हंड्रेड इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी इसको वी वन या वी नॉट कह सकते हो आप उसके बाद नेक्स्ट एच सी बाई फोर हंड्रेड वर्क फंक्शन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है यहां पे क्या लिख दोगे ई वी टू दो इक्वेशन आ गए दोनों को डिवाइड कर देना है ठीक है अब देखो एच सी की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी पुट कर देंगे पहले तो सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड नहीं करेंगे दोनों को एक इक्वेशन वन मान ले दूसरा इक्वेशन टू मान लेते हैं ठीक है आप देखो हम लोग इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू अगर लिख दे तो यहां पर आ जाएगा एच सी इंटू वन बाई थ्री हंड्रेड माइनस वन बाई फोर हंड्रेड इक्वल्स टू फाइव तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ई कॉमन ले लेना वी वन माइनस वी बचेगा और यही डेल्टा v हमें फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस इसकी वैल्यू वन टू फोर जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई इन टू वी और जब अब ये इक्वेशन ये जो है ना इसको मिटाते हैं फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे ले लेना वन थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ फोर माइनस थ्री आ जाएगा यानी वन हो गया और इसको आप ई डेल्टा वी लिख दो ई e से ई e कैंसिल हो गया डेल्टा वी हमें वोल्ट में फाइंड करना है ये वन जीरो से वन जीरो फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा वन ट्वेंटी फोर बाई वन आ जाएगा चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये सॉरी यहाँ वन ट्वेंटी है तो लगभग लगभग ये तो वन ही होगा ना अप्रोक्सीमेटली वन होगा अब जो ऑप्शन है उसको चेक कर लो पॉइंट फाइव टू वन और वन पॉइंट फाइव तो आंसर कौन सा आएगा इसमें थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखो इसमें क्या लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज क्यू इज एक्सलेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फिफ्टी वोल्ट अनदर पार्टिकल बी ऑफ मास फोर एम एंड चार्ज क्यू इज एक्सलेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वोल्ट ठीक है एक एम मास चार्ज क्यू पोटेंशियल भी दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे का मास चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ दो particles है दो पार्टिकल्स है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ए टू लेमडा बी इज क्लोज टू अब हमें दोनों के डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है बच्चों तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देखो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बाई एम वी और स्क्वायर रूट ऑफ टू एम इंटू एनर्जी एनर्जी को क्यू इंटू पोटेंशियल पोटेंशियल को वी नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं चार्ज दोनों में सेम है तो अब ये किस पर डिपेंड करेगा मास और पोटेंशियल पर ठीक है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेमडा ए बाय लेमडा बी इक्वल्स टू अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे बी का जो मास है वो ऊपर आएगा बी का मास है फोर एम और बी के लिए पोटेंशियल है टू फाइव जीरो जीरो अब बात करते हैं ए के लिए मास एम पोटेंशियल फिफ्टी तो देखो अब यहाँ पे 50 से ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू फोर यानी 200 200 को हम लोग टेन रूट टू लिख सकते हैं और रूट टू की वैल्यू 1.414 तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 14.14 यानी इसका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है इन अ रेडियो एक्टिव द इनिशियल न्यूक्लियस इज थोरियम एट द एंड देयर आर अल्फा पार्टिकल्स एंड फोर बीटा पार्टिकल्स विच आर इमिटेड इफ द एंड न्यूक्लियस एक्स इक्वल्स टू एक्स ए जेड ये सर लिखा है तो ए और जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बहुत सिंपल है बच्चों जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता है कि बीटा प्लस है या बीटा माइनस तो हम लोग ऐसे में बीटा माइनस डी के ही कंसिडर करते हैं ठीक है, है? यानी कि एक बीटा पार्टिकल के एमिशन से जो मास नंबर है उस पर तो लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक यूनिट बढ़ जाएगा बस इतना ही है अब पहले हम लोग मास नंबर की बात करते हैं टू थर्टी टू था अब कितना हो जाएगा सिक्स अल्फा पार्टिकल के निकलने से सिक्स इंटू फोर इतना कम हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो गया ना ट्वेंटी फोर को अगर आप माइनस कर दोगे तो टू जीरो एट आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की पहले कितना था नाइनटी और इसमें से सिक्स एल्फा पार्टिकल्स एमिट हो गए तो सिक्स इंटू टू इतना ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएगा और फोर बीटा पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग फोर इंटू वन ये इंक्रीज हो जाएगा तो 6 टू जेड 12 हो गया 12 माइनस 4 8 माइनस 8 करना है ये 82 आ जाएगा अब 208 और 82 ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों आगे बढ़ें ये क्वेश्चन नंबर 10 था क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसमें क्या लिखा है व्हेन अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज माइनस ये नेगेटिव साइन तो इस बात को बताता है है कि जो इलेक्ट्रॉन उसको रेसिस्ट करने के लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग तो इलेक्ट्रॉन है, है।, है इसलिए नेगेटिव है। में तो हमें प्लस ही लिखना है तो देखो पहले जो इक्वेशन आएगा क्या एच इक्वल्स टू फाइव प्लस ईवी नॉट बाई टू ठीक है अब सेकेंड क्या कंडीशन लिखा है पहला था वेन अ सर्टेन फोटोसेंसिटिव इल्यूमिनेटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बाई टू फिर लिखा है सॉरी वेन द सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बाई टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट ठीक है देखो बच्चों दो इक्वेशन मिल गया हमें क्या फाइंड करना है यहां पर थ्रेस होल्ड फ्रिक्वेंसी इसको इक्वेशन वन नाम दे देते हैं ये है इक्वेशन टू इक्वेशन वन को डबल करके फिर उसमें से इक्वेशन टू को माइनस कर दें तो ई वी नॉट कैंसल हो जाएगा ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन वन इंटू टू माइनस इक्वेशन टू ये इक्वेशन टू लिखा है टू एच न्यू माइनस एच न्यू बाई टू इक्वल्स टू ये टर्म तो कैंसिल होगा यहाँ पर टू फाइव माइनस फाइव यानी कि फाइव रह जाएगा ये आ गया अब आगे इसको सॉल्व करते थ्री एच न्यू बाई टू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट एच से एच कैंसिल हो जाएगा हमें क्या चाहिए था न्यू नॉट यानी कि जो इसकी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी है थ्री न्यू बाई टू तो इसका जो आंसर होगा देखिए आंसर कौन सा करेक्ट है ये ऑप्शन नंबर टू में लिखा है क्या ऐसा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा थ्री न्यू बाई टू ठीक है बच्चों? अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो इसमें क्या लिखा है इन अ फ्रैंक हाउट एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पासेस थ्रू अ मर्करी वेपर And emerges with an energy of 0.7 electron volt. The minimum wavelength of photons emitted by mercury atom is close to. देखो, हम लोग मान लेते हैं कि minimum lambda ये है. तो h c वाला lambda किसके equal होगा? इन दोनों का difference के बराबर. 5.6 electron volt minus 0.7. इसको वन टू फोर जीरो लिख देते हैं नैनोमीटर में सारा आंसर है ना और ये टर्म जो डिवाइड दिव, होगा कितना फोर पॉइंट नाइन जब आप माइनस करोगे तो ऐसा आ जाएगा अगर ये फाइव होता फाइव से डिवाइड करते तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता लेमडा मिनिमम की वैल्यू मान लो वन टू फोर जीरो है फाइव से डिवाइड कर दो टू फोर्टी एट आता 4.9 है उससे ज्यादा आएगा 250 और तो बाकी जो ज्यादा है वो बहुत ही ज्यादा है तो करेक्ट आंसर क्या हम लोग लिखेंगे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं चलो अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें क्या लिखा है एन एल्फा पार्टिकल ऑफ मास वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन न्यूक्लियस एट रेस्ट ऑफ अनोन मास न्यूक्लियस का मास गिवन नहीं है इट इज़ स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ इट्स इनिशियल कैनेटिक एनर्जी यानी पहले जिस कानेटिक एनर्जी से जा रहा था वापस उसके सिर्फ थर्टी सिक्स परसेंट कानेटिक एनर्जी से जाएगा क्योंकि इतना तो लूज हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस इज देखो बच्चों हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल है जिसका मास एम है न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम मान लें ठीक है ये तो रेस्ट में है और ये पहले यू वेलोसिटी से जा रहा था बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई मान लें कि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है अगर हम लोग इलास्टिक कॉलिजन का फॉर्मूला यूज कर लें तो फार्मूला कैसा होता है एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस अब यूट्यूब वाला टर्म आता है क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यूट्यूब वाले टर्म को लिखना नहीं है अब क्वेश्चन में लिखा है 64 परसेंट एनर्जी तो लूज हो गया तो बचा कितना 36 परसेंट अब अगर एनर्जी 36 परसेंट है ध्यान देना बच्चों अगर एनर्जी 36 परसेंट ही रह गया ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इंटू हाफ एम यू स्क्वेर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर तो हाफ़ एम कैंसिल हो जाएगा वी की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट सिक्स यू अब क्वेश्चन में लिखा है लॉट कर आता है यानी अपोजिट डायरेक्शन में यह पॉइंट सिक्स यू होगा माइनस साइन के साथ होगा हम लोग इस वी वन में यहां पर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स यू लिख देते हैं यू यू से कैंसिल हो गया अब जो एक रिलेशन आया इससे हमें अब इन सबको मिटा देते हैं देखो अब हमें क्या फाइंड करना है कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम के टर्म में फाइंड करना है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले तो इसको लिख दो सिक्स बाई टेन यानी कि थ्री बाई फाइव इंटू एम प्लस कैपिटल एम इक्वल्स टू एम माइनस कैपिटल एम फाइव उधर चला जाएगा ना थ्री एम माइनस थ्री इंटू कैपिटल एम फाइव एम माइनस फाइव एम अब सॉल्व करके देखो क्या आएगा कैपिटल एम इक्वल्स टू फोर इंटू स्मॉल एम यानी अल्फा पार्टिकल के मास का फोर टाइम्स होना चाहिए तो अब देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है यह फोर एम ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों थर्ड आंसर करेक्ट है अब आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन में देखो क्या लिखा है टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू अदर आर एंड टूचर टू रेस्पेक्टिवली द पार्टिकल सफर परफेक्टली इन इलास्टिक द डीप डॉगली वेवलेंस लेमडा ऑफ द फाइनल पार्टिकल इज गिवन बाय सबसे पहले तो ये देखो कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलरली जा रहे हैं तो एक का इस तरफ मोमेंटम दूसरे का इस तरफ मोमेंटम होगा अगर लेमडा वन इसकी वेवलेंथ है मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं h बाई लेमडा वन पहले के लिए और दूसरे का मोमेंटम क्या हो जाएगा h बाई लेडा टू अब दोनों परपेंडिकुलरली आएंगे ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा है परफेक्टली इनिलास्टिक कॉलिजन यानी दोनों साथ साथ चलेंगे मोमेंटम को कंजर्व करना है क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है परपेंडिकुलरली आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ पी वन स्क्वेयर प्लस पी टू स्क्वेयर और ये h बाई लेडा के इक्वल हो जाएगा यहां से अगर सॉल्व करोगे तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है न्यूक्लियस ए फाइनाइट डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ए

लेमडा ए के टर्म में चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि टू एम मास का एक न्यूक्लियस है और ये यू वेलोसिटी से चल रहा है ठीक है तो इसका जो वेवलेंथ होगा लेमडा ए हम लोग क्या लिख सकते हैं एच बाई टू एम यू अब मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे देखो दो अलग अलग पार्ट में ये टूट गया है दोनों का मास हम लोग एम कह देते हैं ठीक है ना बी और सी अब देखो इसमें क्या लिखा है सी फ्लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ये मान ले सी ये इस तरफ आया और बी इस तरफ आ रहा है ठीक है सी फ्लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट ऑफ बी तो अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी को वी मान ले बी के लिए दो गुना हो जाएगा अब मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं अगर मोमेंटम को कंजर्व कर दें देखो रिलेशन क्या आ जाएगा 2m एम इंटू यू ये इनिशियल मोमेंटम था बाद में m इंटू टू वी माइनस एम तो ये एम वी हो जाएगा m से m तो कट गया v की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 2u यू यहां तक समझ में आया अब इसके बाद हमें क्या एक तो c का वेवलेंथ लिखना है तो h बाई एम इंटू वी टू एम यू आ जाएगा और इस टू एम यू को हम लोग इस टर्म में लिखे तो ये लेमडा ए के इक्वल ही हो जाएगा सी का अब बी के लिए अगर बात करते हैं देखो V की वैल्यू है टू यू तो ये टू टाइम्स ऑफ m इन टू टू यू हो जाएगा अब देखो यहां पर ये लेमडा a है आप इसको क्या लिख सकते हो लेमडा a बाई टू तो b की जो वेवलेंथ है वो लेमडा a बाई टू और c के लिए लेमडा i अब देखें क्या लिखा है ऑप्शन देखो पहले हमें क्या फाइंड करना है बी का फाइंड करना है ना यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लेमडा बी तो लेमडा बी के लिए लेमडा ए बाई टू लिखेंगे और लेमडा सी के लिए लेमडा ए ऑप्शन नंबर वन में ऐसा लिखा है ठीक है इसमें से ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा सेकंड में पहले लेमडा ए लिखा है थर्ड ऑप्शन में तो इसलिए थर्ड नहीं लिख करके हमें फर्स्ट आंसर करना है ठीक है अब आगे बढ़ते ये तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखो सिक्सटीन में क्या लिखा है द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज क्लोज टू न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो हर एक न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होता है जो 10 टू पावर 17 ऑर्डर का होता है तो रेशियो इसका वन आएगा यानी सेकेंड आंसर करेक्ट है कोई कैलकुलेशन नहीं करना है ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 देखो इसमें क्या लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इज गिवन एज ई इक्वल्स टू टेन टू दर माइनस थ्री कॉस टू पाई एक्स बाई फाइव इंटू टेन टू दाइनस सेवन माइनस टू पाई इंटू सिक्स इंटू टेन टू दर फोर्टीन टी एक्सैप एक्सकेशन के लिए है न्यूटन परकुल यूनिट है दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज हमें क्या फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है यहां पर हिंट गिवन है देखो ये एच सी बाय लेमडा के टर्म में आपको यहाँ पर यूज करना है फॉर्मूला तो हम लोग पहले इंसिडेंट जो लाइट है उसकी एनर्जी फाइंड करते हैं उसमें से ये वर्क फंक्शन को माइनस कर दे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ई e हटा दो तो वोल्ट में हमें आंसर मिल जाएगा सिंपल है तो देखो यहां पर टू पाई बाय लेमडा यहां लेमडा मिल गया ना ये फॉर्मूले में हमें लेमडा पुट कर देना है एच सी बाई लेमडा क्या हो जाएगा वन टू थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाय ये फाइव इंटू टेन टू दी बार माइनस सेवन है इसको हम लोग फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रम लिख सकते हैं ठीक है तो ये एच सी बाई लेमडा मिल गया हमें अब इसमें से हम लोग ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा इसमें से टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस कर देते हैं ठीक है इसको ऐसे लिख दे माइनस वर्क फंक्शन आप एक काम करो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ये पहले देखो नीचे तो कितना आ जाएगा टेन और ये थ्री जीरो हो गया इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें ये जीरो फिर वन फिफ्टी फाइव सेवन ट्वेंटी फोर इतना गया माइनस टू जब आप डिवाइड करोगे तो यह आएगा टू पॉइंट फोर सेवन फाइव माइनस टू यानी कि जीरो पॉइंट फोर सेवन फाइव ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन फाइव वोल्ट या इसी को हम लोग जीरो पॉइंट फोर एट के अप्रॉक्स लिख सकते हैं अब आंसर चेक करना है देखो ये सेकेंड आंसर लिखा है जीरो पॉइंट फोर एट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर एट वोल्ट और दूसरे जो ऑप्शन है वो दूर दूर तक कहीं मैच नहीं कर रहे ये था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर एटीन देखो इसमें क्या लिखा है फिफ्टी वॉट पर मीटर स्क्वायर यानी ये इंटेंसिटी दिया हुआ है इनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ सोलर पैनल some part of the incident energy 25% is reflected from the surface and the rest is absorbed 25% अगर reflect हो रहा है तो बचा कितना 75% 75% अब्सॉर्ब हो गया यानी 1/4 reflect हुआ और 3/4 part अब्सॉर्ब हो गया ठीक है एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर हमें क्या फाइंड करना फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया विल बी क्लोज टू ठीक है तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों जो फोर्स होता है उसको ऐसे लिखते हैं आई ए बाई सी ये मोमेंटम है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से हमें क्या मिलता है फोर्स मिलता है हमें फाइंड यहां पे क्या करना है फोर्स ही करना है तो रिफ्लेक्शन जब होगा 25 परसेंट के लिए फोर्स उसका डबल हो जाएगा 25 परसेंट यानी वन फोर्थ और बाकी जो बचा वो कितना फोर्स लगाएगा आई ए बाई सी क्योंकि एब्जॉर्व हो रहा है ठीक है ये फोर्स है और 75 परसेंट कहने का मतलब थ्री फोर्थ अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो ये थ्री प्लस टू फाइव आई ए बाई फोर सी ऐसा आ गया अब वैल्यूज को पुट कर देना है इंटेंसिटी दिया हुआ 50 ऐसा यूनिट में एरिया है वन ये भी ऐसा यूनिट में है डिवाइडेड बाय फोर सी के बदले थ्री इंटू टेन टू दावर एट देखो आंसर सब में माइनस एट है तो आप इसको अलग कर दो और इसको अलग रहने दो कितना आ जाएगा टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इंटू टेन टू पावर माइनस एट न्यूटन अब ये 12 से अगर आप टू टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ट्वेंटी फोर यानी ये लगभग लगभग ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी से थोड़ा ज़्यादा आएगा ये तो तय है क्योंकि आप 20 करोगे तो 240 आएगा यहां पर जो भी ऑप्शंस दिए हैं देखो टेन है फिफ्टीन है ट्वेंटी है और थर्टी फाइव है तो ट्वेंटी से थोड़ा सा ज्यादा सीधा थर्टी फाइव है तो आंसर क्या आएगा ट्वेंटी आएगा ठीक है थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर एटीन था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखो इसमें क्या लिखा है पार्टिकल पी इज अ फॉर्म्ड ड्यू टू अंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ अ पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग डी ब्रॉगली वेव लेंथ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई रेस्पेक्टिवलीफ एक्स एंड वाई वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द डी ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ पी एस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक का मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो एक्स का मोमेंटम और वाई का मोमेंटम जो लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लिख दें और ये नेट मोमेंटम किसके इक्वल होगा पी के मोमेंटम के बराबर होगा ठीक है अब हमें वेवलेंथ फाइंड करना है तो वेवलेंथ के लिए आप क्या लिख सकते हो यहां पर लेमडा दिया हुआ ना पार्टिकल पी इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एक्स एंड वाई ठीक है तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं देखो लेमडा एक्स मोड लगा देते हैं फिर बाई लेमडा पी यहां पर ऐसा लिखते हैं पार्टिकल पी इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीटली इनलास्टिक दो है। उनका हैं उनका इन इलास्टिकोलिजन हो रहा है यानी इन इलास्टिक ऑलिजन के बाद दोनों कंबाइंड हो जाएंगे एंड हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एक्स लेमडा वाई डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम लोग कैसे लिख देते हैं देखो अगर मोमेंटम की बात करें मोमेंटम होता है एच बाई लेमडा यहाँ सी नहीं आएगा ठीक है तो आप इस सब में से h को कॉमन ले लो यहाँ क्या आ जाएगा वन बाई लेमडा वाई माइनस वन बाई लेमडा एक्स इक्वल्स टू एच बाई लेमडा और यहाँ पर p तो अब h तो कैंसल हो गया एल्शियम लेकर के सॉल्व कर लेना है यहाँ पर लेमडा x आ जाएगा यहाँ पर लेमडा वाई उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा लेमडा पी इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स लेमडा वाई ओवर मोड ऑफ लेमडा वाई ऐसा आ जाएगा ना ठीक है पहले आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे फिर रिवर्स करना है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्वेंटी में आ जाओ देखो ट्वेंटी में क्या लिखा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द्रेस होल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज थ्री नैनोमीटर द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 280 एटी नैनोमीटर जो थ्रेसोल्ड वेवलेंथ से कम है इसका मतलब इसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल भी हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है इसको क्या लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट लेमडा नॉट क्या है थ्रेसोल्ड वेवलेंथ ठीक है अब ये वन टू थ्री सेवन लिख देते हैं एससी की वैल्यू एक तो देखो क्या है टू सिक्सटी टू सिक्स जीरो और फिर थ्री एट जीरो ऐसा आ जाएगा ठीक है ना ये पूरा का पूरा आंसर किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये देखो नैनोमीटर में रखना था नैनोमीटर में ही है अब हमें क्या करना है सिर्फ इसको सॉल्व करना है वन टू थ्री सेवन एक टेन से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा ना मान लो इसमें से टेन कॉमन ले लिया इसमें डिवाइड कर दिया वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन आ गया उसके बाद इसमें से आप टू भी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा थर्टीन वहाँ नाइनटीन नाइनटीन माइनस थर्टीन और यहाँ पर थर्टीन इंटू नाइनटीन ठीक है अब देखो ऐसा आ गया ये कितना आ जाएगा थ्री वन टू थ्री पॉइंट सेवन इंटू सॉरी सिक्स और डिवाइडेड बाई टू करोगे तो थ्री आ जाएगा ना थर्टीन इंटू नाइनटीन ऐसा आ गया अब ये टू से कितने टाइम्स में कट जाएगा थ्री टाइम्स में कट जाएगा अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव के आसपास आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का क्या होना चाहिए वन पॉइंट फाइव ठीक है अब आगे बढ़ेंगे अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें क्या लिखा है टू रेडियोटिव मटेरियल्स ए एंड बी हैव डीके के कॉन्स्टेंट टेन लेमडा एंड लेमडा रेस्पेक्टिवलीफ इनिशियली देव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू डेट ऑफ बी विल बी वन बाई ई आफ्टर अ टाइम ऑफ क्वेश्चन में क्या लिखा है ए और बी के नंबर का जो रेशियो है यह वन ई है तो हमें टाइम फाइंड करना है ठीक है इनिशियली दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है देखो क्वेश्चन में लिखा है तो हम लोग दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को एन नॉट मान लेते हैं पहले के लिए ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे टेन लेमडा और बी के लिए लेमडा है आप बस वैल्यू को पुट कर दो ई टू पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल्स टू वन बाई ई ये एन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा आप इसको क्या लिख सकते हो ई टू पावर माइनस टेन लेमडा माइनस लेमडा इनटू टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वन यानी कि नाइन लेमडा इनटू टी देखो पावर सेम होगा ना ई बेस सेम है तो माइनस माइनस को कैंसिल कर दो इंटू टी इक्वल्स टू वन है तो टी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई नाइन लेमडा और वन बाई नाइन लेमडा ऑप्शन नंबर वन में लिखा है ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखो इसमें क्या लिखा है अ टू मिली वॉट लेजर ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ फाइव हंड्रेड नैनोमीटर ठीक है तो यहां से हमें क्या पावर मिल गया ये वेवलेंथ दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटो दैट विल बी इमिटेड पर सेकेंड इज हमें एन फाइंड करना है तो एन को क्या लिख सकते हैं देखो टू मिली वॉट यानी टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री लिख दिया अब ये ऐसा यूनिट में आ गया डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा लिख देते हैं एच सी ये देखो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी फोर दिया हुआ है C की वैल्यू थ्री इंटू टेन टू पावर एट है और लेमडा की वैल्यू कितना गिवन है फाइव हंड्रेड नैनोमीटर यानी कि फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन ठीक है अब देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखा है अब इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है और कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आता है ये आएगा फाइव इंटू टेन टू द पावर फिफ्टीन आप चाहो तो इसको एच सी बाई लेमडा इलेक्ट्रन वोल्ट में लिख करके फिर उसको 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू माइनस नाइनटीन ये जो कन्वर्जिंग फैक्टर है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट तब भी कर सकते हो ठीक है ना जैसे मैं ऐसे लिख दूँ एच सी बाई लेमडा है तो एच सी की वैल्यू अब यहां पर आपको इंटेंसिटी टू इंटू टेन टू द्री दिया माइनस थ्री मिली वॉट है ना आप इसको अगर देखो वन टू फोर जीरो डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड नैनोमीटर में आ गया ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है टू इंटू टेन टू दाइनस थ्री ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड है ना पर सेकंड यहां पर आ जाएगा ये जूल पर सेकंड है सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में है अब इसको आप कन्वर्ट कर दो जूल में फिर भी आंसर आएगा तो दो अलग अलग तरीके हैं हम लोग जो भी तरीका है ये सिंपल कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया फाइव इंटू टेन टू दे बार फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखो इसमें क्या लिखा है टू रेडियो सब्सटेंसेज ए एंड बी है कॉन्स्टेंट फाइव लेमडा एंड लेमडा रेस्पेक्टिवली ए टीवल टू जीरो सेम नंबर ऑफ टू न्यक्लियाई यानी शुरुआत में दोनों के जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है इनिशियली सेम है द टाइम टेकन फॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम वन बाई ई स्क्वायर अब वन बाई ई स्क्वायर कितने समय के बाद हो जाएगा हम लोग मान लेते हैं टी समय के बाद शुरुआत में क्या दोनों के लिए नंबर सेम था पहले के लिए लिखोगे ई टू दी पार माइनस फाइव लेमडा टी और दूसरे एक्टिव निकलिया बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं एन नॉट ई टू power माइनस लेमडा टी अब ये किसके इक्वल है one by e square. Whole square है ना आप इसको वन बाई स्क्वायर लिख सकते हो एन नॉट से एन नॉट कैंसल हो जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस फोर लेमडा और ये लेमडा ऊपर कर दो तो फोर मतलब पहले माइनस फाइव था बाद में ये माइनस लेमडा ऊपर चला जाएगा तो प्लस में

ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अब हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसमें क्या लिखा है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ कम्प्लीटली एब्जॉर्विंग सरफेस विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ ट्वेंटी फाइव वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इफ द सर्फेस हैज एन एरिया ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सर्फेस इन फोर्टी मिनट टाइम ड्यूरेशन विल बी तो देखो हमें क्या फाइंड करना मोमेंटम यहां फाइंड करना है ठीक है तो मोमेंटम को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं इम्पल्स के इक्वल लिख सकते हैं क्या मोमेंटम को एफ टी इतना इम्पल्स होगा और एफ की वैल्यू क्या होती है आई ए बाई सी क्योंकि परफेक्टली एब्सॉर्विंग है अगर ये रिफ्लेक्टिंग होता तो टू आई ए बाई सी लिखते इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज को पुट कर दो देखो आई की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में है और एरिया भी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है तो यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नीचे स्पीड ऑफ लाइट है इसको हम लोग लिख दें थ्री इंटू टेन टू पावर एट और टाइम दिया हुआ है फोर्टी मिनट्स तो फोर्टी मिनट्स का मतलब फोर्टी इंटू सिक्सटी बस अब कैलकुलेट करना है देखो ध्यान देना ये थ्री से ये ट्वेंटी टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर अगर हम लोग कर दे तो कितना आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा ना हंड्रेड एक और जीरो है तो थाउजेंड लिख देते हैं और ये ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी कितना आ जाएगा फाइव हंड्रेड आ जाएगा क्या फाइव हंड्रेड और टेन टू दावर माइनस एट तीन दो पाँच पाँच माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री न्यूटन सेकेंड देखो ऑप्शन नंबर फोर में लिखा है ना ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट है ये तो था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव देखो इसमें क्या लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर अम इज सोन इन द फिगर फिगर में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक देखो ग्राफ गिवन है दर्क फंक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द डेटा प्लॉटेड इन द फिगर विल बी हमें क्या फाइंड करना वर्क फंक्शन थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग को मिल जाए तो वर्क फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच इन टू न्यू नॉट न्यू नॉट क्या है थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो तो देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो कब आ रहा है यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फोर इंटू टेन टू पावर फोर्टीन हर्ट्स है ये समझ में आए ना ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए था थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी और या फोर इंटू टेन टू पावर फोर्टीन बस अब पुट कर दो एच की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी फोर ये एच आ गया न्यू नॉट के बदले आप क्या लिखोगे फोर इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन अब ये ऐसा यूनिट में आ गया लेकिन जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सब किस फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में है तो हम लोग इसको 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड कर दे अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया ठीक है देखो अब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पर आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना या चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 26.52 डिवाइडेड बाय 1.6 और यहाँ पर देखो 10 टू दी बार माइनस थर्टी है और प्लस 14 यानी कि माइनस ट्वेंटी आएगा और माइनस ट्वेंटी प्लस यानी कि माइनस वन तो आपके पास क्या आएगा 2.652 डिवाइडेड बाय 1.6 ठीक है तो अब देखो आंसर ये जब आप डिवाइड करोगे तो 1.66 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा अब सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन तो 1.66 यानी ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा ये था क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 26 देखो इसमें क्या लिखा है हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी आर टेन मिनट्स एंड ट्वेंटी मिनट्स रेस्पेक्टिवली ठीक है इफ इनिशियली सैंपल हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन आफ्टर सिक्सटी मिनट्स द रेशियो ऑफ डिके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए एंड बी विल बी सिक्सटी मिनट्स के बाद हमें ए और बी के कितने न्यूक्लियाई दिक, डिके हो चुके हैं उनका रेशियो चाहिए तो देखो बच्चो आ, पहले के लिए यानि ए के लिए ये टेन मिनट्स है हाफ लाइफ तो 60 मिनट्स का मतलब कितना सिक्स हाफ लाइफ सिक्स हाफ लाइफ के बाद इतने न्यूक्लियाई एक्टिव रहेंगे कितना डीके हो गया एन नॉट माइनस एन नॉट बाई टू टू दावर सिक्स फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बी की तो बी में देखो 20 मिनट्स हाफ़ लाइफ है और 60 मिनट्स का मतलब हुआ थ्री हाफ लाइफ तो जितने एक्टिव न्यूक्लियाई बाकी रह जाएंगे उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कितने डिके हो गए वो ये आ जाएगा रेशियो ऑफ डिकेड नंबर फाइंड करना था ये ए आ गया ये बी का अब हमें सिंपली सॉल्व करना है बच्चों एंड नॉट कॉमन लोगे कट जाएगा टू टू पावर सिक्स यानी कि सिक्सटी फोर माइनस वन बाई सिक्सटी फोर आएगा ये और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो एट है ना तो एट माइनस वन बाई एट उस एट को ऊपर लिख देते हैं ये एट से ये एट टाइम्स में कैंसिल हो गया ऊपर आएगा सिक्सटी थ्री नीचे एट है और यहाँ पर सेवन सेवन से ये नाइन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो अब आंसर क्या आएगा नाइन बाई एट ऑप्शन नंबर टू में लिखा है तो नाइन बाई एट यानी ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखो इसमें क्या लिखा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड फोटोन हैव द सेम एनर्जी ई इन द रेंज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट द रेशियो ऑफ डिब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन की डिब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन की डिब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए दोनों के लिए एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू एम ई पार्टिकल है ना अब बात करते हैं फोटोन की फोटोन के लिए जो वेवलेंथ होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एच सी बाई ई तो एच सी और ई e ऊपर लिख देते नीचे था ना फोटोन प्रोटोन नहीं है फोटोन है समझ जाओगे ना चलो अब देखो ध्यान देना एच से एच कैंसिल हो जाएगा वन बाई सी को अलग कर दे और इसको रूट के अंदर लिख दो तो उप, अंदर में क्या हो जाएगा ई स्क्वेर डिवाइडेड बाय टू एम ई एक ई e कैंसिल कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा वन बाई सी इंटू स्क्वायेर रूट ऑफ ई एक ई e रह जाएगा है ना यहां पर ऐसे लिख रहे हैं ई स्क्वेर बाई टू एम ई तो एक e कैंसल हो गया e बाई टू एम रह जाएगा वन बाई सी स्क्वायर रूट ऑफ e बाई टू एम ऑप्शन नंबर टू ये करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसमें लिखा है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम सेवन हंड्रेड पर सेकेंड टू फाइव हंड्रेड पर सेकेंड इन थर्टी मिनट्स इट्स अ हाफ लाइफ इज क्लोज टू हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इन टू वन बाई टू टू दावर टी बाई टी हाफ ठीक है t t half, या फिर आप ऐसा लिख दो टू को इधर ले आओ टू टू दावर टी बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई एन अब देखो वैल्यूज गिवन है पुट कर देते हैं टाइम थर्टी मिनट्स है जो भी आंसर्स है वो मिनट्स में ही है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं यहां पर टी हाफ एन नॉट की वैल्यू सेवन हंड्रेड और एन की वैल्यू फाइव हंड्रेड पुट कर दिया ये कितना आ गया सेवन बाय फाइव वन पॉइंट फोर ठीक है अब अप्रोक्सीमेटली अगर टू के पावर के टर्म में लिखें तो रूट टू की वैल्यू होती है वन पॉइंट फोर वन फोर लगभग लगभग ये रूट टू आएगा रूट टू से थोड़ा सा ये जो वैल्यू है कम है है ना वन पॉइंट फोर वन फोर से तो भी हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली रूट टू लिख देते हैं यानी टू टू पावर हाफ तो लगभग लगभग थर्टी बाई टी हाफ वन बाई टू के इक्वल होगा टी की वैल्यू जो हाफ लाइफ है वो सिक्सटी मिनट्स के आसपास होगा अब देखो सिक्सटी मिनट्स के सबसे आसपास जो आंसर है वो सिक्सटी टू मिनट्स है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी टू मिनट्स हमने यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते तो अप्रोक्सीमेशन करके आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर फोर ठीक है number 4. अब आगे बढ़ेंगे इधर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन देखो इसमें क्या लिखा है When photon of energy 4 electron volt strikes the surface of metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy Ta electron volt and de Broglie wavelength lambda. The maximum kinetic energy of metal B by photon of energy 4.5 electron volt is T B equals to Ta minus 1.5 electron volt. if the de Broglie wavelength of these फोटो इलेक्ट्रॉन्स लेमडा बी इक्वल्स टू टू लेमडा एन द वर्क फंक्शन ऑफ metal b is हमें क्या फाइंड करना है मेटल बी का वर्क फंक्शन फाइंड करना है एक रिलेशन वहां पे दिया हुआ है तो हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो क्या लिख सकते हैं ये जो लेमडा बी लिखा है टू लेमडा ए के इक्वल लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई स्क्वे रूट ऑफ टू एम इंटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और यहां पर टी बी क्या हो जाएगा टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू एम दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन या मास सेम होगा यहाँ पर टी ए ठीक है अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा रूट टू एम हो जाएगा स्क्वायर कर देते हैं और इसको इधर ले आओ तो टी ए रूट के बाहर आ जाएगा ये फोर टी बी के इक्वल हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर जो रिलेशन दिया अब इसका यूज़ करते हैं टी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी बी प्लस वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप इसको लिख दो टी बी प्लस वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू फोर टी बी अगर टी बी को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा थ्री इसको आप चलो पॉइंट फाइव ही रहने दो है ना ऐसे लिख देते वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू थ्री टी बी तो टी बी की वैल्यू क्या आ गई पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम कनेटिक एनर्जी मिल गया है इसके लिए देखो वर्क फंक्शन मैक्सिमम कनेटिक एनर्जी ऑफ बी फोटोन इज जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स हैं उसके लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी ये गिवन है जो भी एनर्जी 4.5 गिवन है ठीक है मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी 0.5 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल uh, अगर चाहिए होगा या फिर मान लो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बहुत सिंपल है कैलकुलेट करते हैं 4.5 पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ बी प्लस मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ बी और पॉइंट फाइव आप यहां पे पुट कर दो तो फाइव बी की वैल्यू हो जाएगी फोर पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव यानी कि फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है अब देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोर्थ में लिखा है तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें देखो क्या लिखा है

इनिशियल जो इसकी स्पीड होगी हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर आप आई कैप और जे कैप के टर्म में है तो स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वेयर प्लस वी नॉट स्क्वेयर यानी कि रूट टू वी नॉट इनिशियल स्पीड मिल गया ठीक है फाइनल अगर ये जेड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ई ई नॉट बाई एम एक्सेलरेशन हो गया टी टाइम के बाद अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो यू प्लस ए टी होता है यू जीरो जेड डायरेक्शन में ए की वैल्यू ये है टी से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा नेगेटिव है ना और इलेक्ट्रॉन है कोई बात नहीं है आप पॉजिटिव ले लो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा है ना इलेक्ट्रॉन पर तो जो भी हो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया जेड डायरेक्शन में अब नई स्पीड को हम लोग वी डैश से डिनोट कर देते हैं ये क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वेर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे ठीक है क्या हो जाएगा ई स्क्वेर ई नॉट स्क्वेर टी स्क्र डिवाइडेड बाई एम स्क्वेर कोई दिक्कत तो नहीं है अब इसमें से आप v नॉट देखो ये टू वी नॉट स्क्वायर आएगा टू वी नॉट स्क्वायर में एक और स्टेप लिखता हूं टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर ऐसा लिखा है टू वी नॉट स्क्वायर को यहां से आप बाहर ले लो तो देखो क्या आ जाएगा v डैस इज इक्वल्स टू रूट टू वी नॉट ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा वन प्लस टू वी नॉट स्क्वायर बस नीचे लिख देना e स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायेर t स्क्वायेर बाई टू एम स्क्वेर v नॉट स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं है ना ठीक है ये वेलोसिटी मिल गई हमें क्या फाइंड करना है वेवलेंथ पहले वेवलेंथ था लेमडा नॉट एच बाई रूट टू एम वी नॉट ठीक है ना ये पहले ये वैल्यू पुट करेंगे बाद में वेवलेंथ क्या हो जाएगा इसको लेमडा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एच बाई एम वी डैश लिखेंगे ना एच बाई रूट टू एम वी नॉट देखो ये टर्म कॉमन था लिख दिया और बाकी जो टर्म है उसको अलग से आप यहां पे लिखोगे वन प्लस ई स्क्वेर e not square t square by टू एम स्क्र वी नॉट स्क्वायेर ठीक है ये टर्म क्या है लेमडा नॉट के इक्वल है तो ऊपर लेमडा नॉट आ जाएगा और नीचे ये वाला टर्म होगा अब देखते हैं आंसर देखो वन प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्र बाई टू एम वी स्क्र अगर हम लोग ये थर्ड ऑप्शन की बात करें इन सबको मिटाएं थर्ड ऑप्शन में देखो तो यही लिखा है नीचे टू लिखा है ठीक है इसमें टू मिसिंग है इसमें यहां पर टू आ गया है और यहां पर इसमें टू मिसिंग यहां पर रूट टू कोई आंसर बाकी कोई करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखो इसमें क्या लिखा है अ पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ई हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लेडा द इफ द एनर्जी डेल्टा इज एडेड टू इट्स एनर्जी द वेवलेंथ बिकम्स लेमडा बाई टू वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों पहले हम लोग लेमडा की बात करते हैं ठीक है एक मूविंग पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्क्र रूट ऑफ टू एम ई बाद में क्या हो गया लेमडा हाफ हो गया देखो ये बदल नहीं रहा अगर आप इसको फोर टाइम्स करोगे समझ रहे हो ना तो एक स्क्वायर रूट ऑफ़ फोर टू बाहर आ जाएगा लेमडा बाई टू आ जाएगा लेमडा डैश को अगर आप ऐसे कर दो बहुत सिंपल मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टू एम फोर ई कर दे फोर टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा लेमडा डैश लेमडा बाई टू के इक्वल हो जाएगा बस सिंपल है यानी जो हमारे पास रिजल्ट दिया था लेमडा बाई टू वेवलेंथ लेमडा बाई टू होने के लिए एनर्जी को फोर टाइम्स होना पड़ेगा अब e प्लस डेल्टा e ये क्वेश्चन में गिवन है फोर e के इक्वल होना चाहिए तो अब डेल्टा e यानी जितनी एनर्जी हमने चेंज की है वो किसके इक्वल होना चाहिए थ्री e के इक्वल ऑप्शन नंबर वन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर थर्टी वन 32 टू देखो इसमें क्या लिखा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड मैग्निट्यूड ऑफ चार्ज ई मोड ऑफ ई इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सलेटेड बाई अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इज अब देखो हमें क्या बताना है रेट ऑफ चेंज इन वेव लेंथ तो सबसे पहले अगर वेव लेंथ की बात करें वेवलेंथ क्या होता है एच बाई एम वी तो हमें स्पीड फाइंड करना पड़ेगा और रेस्ट से चलना शुरू किया v इक्वल्स टू यू प्लस ए लिख सकते हैं एक क्या है एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा हम लोग क्या लिखेंगे e इंटू कैपिटल ई यानी फोर्स बाय मास तो एक्सेलरेशन मिल गया उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया ये हमें मिल गया स्पीड अब आप यहाँ पे पुट कर दो जरा h बाई एम वी देखो v के बदले मोड ऑफ e इंटू कैपिटल e t बाई एम एम से m कैंसिल हो गया तो हमारे पास लेमडा मिल चुका है h बाई मोड ऑफ e कैपिटल e इंटू वन बाई टी लेकिन फाइंड क्या करना है ये वन बाई टी है ठीक है ये t फाइंड क्या करना है रेट ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी डी लेमडा बाई डी टी हमें फाइंड करना है डी लेमडा बाई डी टी ये टर्म तो कांस्टेंट है वन बाई टी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वन बाई टी स्क्वायेर आएगा ठीक है टी स्क्वायर बाकी जो टर्म है उसको लिख दो एच मोडी इंटू ई हो गया तो माइनस साइन को ऑप्शन में ऊपर लिखा है कोई दिक्कत नहीं है इससे ऐसा अब चेक करते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है माइनस एच देखो तो ये थर्ड आंसर मैच कर रहा है और तो कोई आंसर नहीं ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा माइनस एच बाई मोड ऑफ ई इंटू कैपिटल ई टी स्क् ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में देखो क्या लिखा है बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दर माइनस फाइव वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कम्प्राइज ऑफ वेवलेंथ लेडा टू थ्री हंड्रेड टेन एनोमीटर इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सरफेस एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वेर इफ वन इन टेन टू दावर थ्री फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन वन सेकेंड इज टेन टू दावर एक्स देन एक्स इज ध्यान से समझना बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है ये इंटेंसिटी गिवन है और देखो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हमें इसको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है पहले तो फाइंड कर लें कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी आई ठीक उसके बाद वर्क फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर लेमडा दिया हुआ है थ्री हंड्रेड तो हमें पता चल जाएगा एक सेकेंड में कितने फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं फिर लिखा है कि एक फोटोन के लिए 10 टू दावर माइनस थ्री हो जाएगा ना क्योंकि 10 टू दावर थ्री फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इजेक्ट हो रहा है इसका मतलब यह हुआ एक हजार में एक ठीक है तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए उसका वन थाउजेंड पार्टन बाईजेंड समझ रहे हैं तो एक बटा हजार अगर आप कर दोगे तब हमें क्या मिल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए बस कैलकुलेशन है एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखो इंटेंसिटी कितनी गिवन है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दर माइनस फाइव और एरिया वन तो अब ये हमें मिल गया एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी आई एक सेकंड में ठीक है ये वन है डिवाइडेड बाय अब हम लोग डिवाइड करते हैं देखो वेवलेंथ दिया हुआ है तो एच सी बाई लेमडा लिख दे ये हमें एक फोटोन की एनर्जी मिल गई ये जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा ठीक है तो इसको आप 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड कर दो अब जूल में आ गया तो अब एक सेकंड में इतनी एनर्जी थी उसमें से जो ये नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ मिल जाएगा कितने फोटोन्स इंसिडेंट हुए डिवाइड करने पर ये समझ में आ रहा है ना देखो हम लोग बहुत सिंपल से बात करते हैं आई ए ये पावर आ गया और डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा कर दिया इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गया और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ये जो एफिशिएंसी है ये वन बाई थाउजेंड आएगा ठीक है ना बस इतना ही करना है हमें तो देखो आई लिख दिया ए लिख दिया यहाँ एच है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया अब थाउजेंड एफिशियंसी वन बाई हो गया इससे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा देखो बहुत सिंपल है कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इससे यह फोर टाइम्स में कट जाएगा ठीक है हम लोग ये थ्री अगर यहाँ पे लिख दें तो माइनस सिक्सटीन आ जाएगा इसको आगे सॉल्व करते हैं फोर इंटू टेन टू माइनस फाइव ऊपर में सिक्सटीन लिख देना ये माइनस नाइनटीन था और थ्री तो माइनस सिक्सटीन हो जाएगा ऊपर गया प्लस में आ जाएगा नीचे देखो एच सी बाई लेमडा है एच सी बारह चालीस और लेमडा थ्री हंड्रेड टेन गिवन है बस इससे ये फोर टाइम्स में कट रहा है तो फोर और फोर कट जाएगा हमारे पास रिजल्ट आएगा टेन टू द पावर इलेवन फोर फोर कैंसिल टेन टू पावर इलेवन और ये क्वेश्चन में टेन टू पावर एक्स लिखा है एक्स की वैल्यू इलेवन हो जाएगी यही था आंसर ठीक है अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्टी थ्री हो गया ये अब थर्टी फोर देखो थर्टी फोर में भी कैलकुलेशन है इसमें क्या लिखा है इन अ रिएक्टर टू किलोग्राम ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव फ्यूएल इज फुल्ली यूज अप इन थर्टी डेज द एनर्जी रिलीज पर फेजन इज टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन दैट एवोग्रो नंबर एन देखो एन की वैल्यू दी हुई है पर किलो मोल में ध्यान रखना ठीक है एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन जूलिए तो होता ही है पावर आउटपुट ऑफ द रिएक्टर इज क्लोज टू अब चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं हमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर बताना है कि, कि किसके आसपास आंसर होगा देखो ध्यान देना बच्चों किलो मोल है सबसे पहले तो हम लोग यह फाइंड कर लें कि टू किलोग्राम यूरेनियम टू थर्टी फाइव कितने किलो मोल के इक्वल होगा तो इसको टू थर्टी फाइव से डिवाइड कर देते हैं टू थर्टी फाइव ये एक मोल का मास था ग्राम में अब आप डिवाइड करोगे तो ये किलो मोल में आ जाएगा ना खुद ब खुद किलोग्राम था किलोग्राम को कन्वर्ट नहीं किया तो ये मिल गया हमें फिर इसको एवोकेटो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री टेन टू दावर ट्वेंटी सिक्स गिवन है ठीक है इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितने रिएक्शन हुए अब देखो हर एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 200 हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें जो आंसर चाहिए वो देखो वॉट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे जूल में ठीक है आंसर मेगा वॉट में है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 टू द पावर सिक्स रहने देते हैं वो यूनिट में चलाएगा कोई दिक्कत तो नहीं अब इतना कितने टाइम में ये सब रिएक्शन हो रहा है 30 डेज में हमें फाइंड करना है एक सेकेंड का तो एक सेकेंड का मतलब देखो 30 डेज को आप 30 इंटू ट्वेंटी आवर्स लिख सकते हो और इसको 3600 सिक्स एक घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं बस इससे जो हमें रिज़ल्ट आएगा यही पावर हो जाएगा अब सिर्फ कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करके ये 63 मेगावाट आता है अब 63 के आसपास एक ही आंसर है 60 देखो बाकी सारे ऑप्शन इससे बहुत दूर है तो हम लोग आंसर क्या करेंगे सेकेंड नंबर ठीक है कैलकुलेशन है बस आपको इसमें टाइम देना और कुछ नहीं अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ये था 34 35 में आओ देखो इसमें क्या लिखा है वेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज यूज टू अ अटलिक सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी ठीक है किया, V है, है, हो जाएगा। इसको लिख देते हैं। फिर लिखा यानी कि में चेंज नहीं आएगा विद रेडिएशन ऑफ वेवलन थ्री लेमडा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी बाई फोर अब हम लोग थ्री लेमडा लिख देते हैं तो यहां पर ई भी आएगा ना एक बाई फोर ठीक है फिर नेक्स्ट क्या लिखा है अब ये फाइव के टर्म में लिख दे रहे हैं अब लिखा है थ्रेस होल्ड वेफ लेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस एन लेमडा देन द वैल्यू ऑफ एन इज पहले हमने क्या लिख दिया दो इक्वेशन लिख दिया हमें फाइव फाइंड करना है और फाइव को एच सी बाई लेमडा नॉट लिखेंगे तब लेमडा नॉट मिलेगा है ना थ्रेस होल्ड वेफ लेंथ तो एक काम कर सकते हैं दो इक्वेशन है इनमें से हम लोग वी को एलिमिनेट कर दें यानी कि इक्वेशन टू में फोर से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से इक्वेशन वन को माइनस कर दो देखो ई वी कट जाएगा ना तो बस हम लोगों को क्या करना है इसको फोर से मल्टीप्लाई करना है ये टर्म आ जाएगा फोर एच सी बाई थ्री लेमडा फोर एच सी बाई थ्री लेमडा और ये टर्म एच सी बाई लेमडा है माइनस कर रहे हैं ये टर्म तो दोनों में सेम आ जाएगा ना जब आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर फोर कैंसल हो गया ये ईवी ईवी कैंसल हो जाएगा यहां पर क्या है फोर फाइव माइनस फाइव तो थ्री फाइव बस अब देखो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा थ्री यहां पर इसको क्या लिखेंगे थ्री एच सी बाई लेमडा नॉट और लेमडा नॉट क्या है थ्रेसोल्ड वेवलेंथ जो हमें फाइंड करना है तो एच सी से एच सी कट गया लेमडा नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हो नाइन लेमडा ठीक है अब हमें ये एन लेमडा के टर्म में था तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन ठीक है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखो इसमें क्या लिखा है पार्टिकल इज मूविंग एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन सॉरी फाइव टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन से फाइव टाइम्स फास्टर मूव कर रहा है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेबलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट एट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस फोर द मासिकल इज क्लोज टू क्वेश्चन में क्या लिखा है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेबलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन ये वन पॉइंट एट सेवन एट इंटू टेन टू दावर माइनस फोर लिखा है ठीक है अब इसको आप क्या लिख सकते हो पार्टिकल के लिए एच बाई मान लो उसका मास है एम डैस जो हमें फाइंड करना है स्पीड फाइव टाइम्स है फाइव वी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा एच बाई एम वी वी स्पीड है उसका फाइव टाइम्स है ये अब ये किसके इक्वल है वन पॉइंट एट सेवन एट इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ये एच ये एच कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसल ये हो जाएगा हमें क्या फाइंड करना एम डैश तो अब इसके आगे कैलकुलेशन है देखो एम डैश को इधर लिख देते हैं ये एम डैश इस तरफ आ जाएगा और ये टर्म नीचे एम की वैल्यू है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी ठीक है नीचे एक 5 है और ये वैल्यू है 1.878 पॉइंट एट सेवन एट इंटू टेन टू दावर माइनस फोर तो आप इसको क्या लिख सकते हो 91 वन इंटू टेन टू दावर अगर 91 लिख दें ठीक है तो 10 टू दावर माइनस थर्टी टू आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा एट है 8 फाइव जा फोर्टी ठीक है चार बज गया फिर सेवन सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन थ्री बज गया और एटीन इंटू फाइव नाइन्टी होता है नाइन्टी थ्री ये ऐसा आ गया टेन टू दि पावर माइनस फोर है ना, इसको ऊपर लिख दो देखो ये नाइन के आसपास आ जाएगा नाइन पॉइंट समथिंग जो भी आए इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी एट अब हम लोग चेक करते हैं ठीक है पूरा कैलकुलेट नहीं किया है देखो 9.7 है यहाँ पर पावर 28 एट माइनस ट्वेंटी यहाँ पर ये यह नहीं ये दोनों को चेक करना है और जब आप डिवाइड करोगे तो 9 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ये ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बस ऑप्शन से हम लोग बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा ठीक है तो इस कंडीशन में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है चलो तो बच्चों इस वीडियो में टोटल थर्टी सिक्स क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आएंगे तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू